हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, नेट, गेट, एसआरएफ या किसी और आईआईटी जेम या किसी और इंटरेस्ट पेपर जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंटरेस्ट पेपर हो, उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास, सोल्व करना है एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो एंड एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस वन दे दिया, इसको हमने टू दे दिया। अब इक्वेशन वन का हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका करेंगे तो यू डॉट वी रूल से तो ये हो जाएगा, पहले इसका इसको छोड़ रहे हैं एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसका करेंगे तो हमारे पास सॉरी इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हुआ डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये हो गया फ्रेंड्स। अब अगर हम इस क्वेश्चन में दोनों तरफ एक्स का मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स का मल्टीप्लाई करने पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा और यहाँ एक्स आ जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हमारे पास टर्म आ चुकी है। अब यहाँ पे देखा हम एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स, एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस वाई, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से इसको देखें तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट एक्स बराबर ई टू द पावर जेड या जेड बराबर लॉग एक्स ये ले लेते हैं हम, जेड बराबर लॉग एक्स। तो उस कंडीशन में हम सिंपली हमारे पास ये बीएससी का सबसे सिंपल टॉपिक है, अगर ये हम लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से चेंज हो जाते हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाता है डी डी माइनस वन और ये हो जाएगा प्लस डी एंड ये हो जाएगा माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो, जहां पे डी बराबर जो होता है वो होता है डी ओवर डी जेड, यानी बेसिकली हमारे पास जैसे डी सॉरी एक्स टू द पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन हो, तो उसको हम डी डी माइनस वन डी माइनस टू डॉट डॉट डी माइनस एन माइनस वन इस तरह से उसको हम तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास, और जहां पे डी बराबर डी अपॉन डी जेड होता है, यानी हमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल था एक्स उसको हमने चेंज कर दिया है। अब ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो, या डी से डी कट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये रह जाएगा ओनली हमारे पास डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो, यानी इक्वेशन ओनली ये रह गई हमारे पास। अब फ्रेंड्स इसको अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन हम सिंपली तो आरएचएस जो है जीरो है, तो सिंपली जो सीएफ होगा इसका वही सॉल्यूशन होगा। तो सीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सेलरेटेड इक्वेशन बनाते हैं, उसके लिए एम बराबर डी की जगह एम पुट करते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से एम बराबर आएगा हमारे पास प्लस माइनस वन, तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेटेड सॉल्यूशन जो होगा जेड बराबर सी वन ई टू द पावर जेड प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस जेड, बट जेड बराबर क्या है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करें तो जेड बराबर सी वन ई टू द पावर लॉग एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स, या माइनस लॉग एक्स अगर इसको ऊपर ले जाना चाहें इसको उठाना चाहें हम तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास जेड बराबर, यहां से लिख सकते हैं जेड बराबर सी वन और ई टू द पावर लॉग एक्स रह जाएगा, ओनली एक्स रह जाएगा सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स इनवर्स, तो जेड बराबर इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ गया, ये जो सी टू ई टू द पावर लॉग ई टू द पावर लॉग वन अपॉन एक्स, तो ये ओनली वन अपॉन एक्स रह जाएगा, उसको हमने एक्स इनवर्स लिख दिया। तो इस तरह से हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी जेड बराबर इसका सॉल्यूशन ये आया है, बट अगर हमें जैसे ये तो हमारे पास जब है जब जेड बराबर हमारे पास सॉल्यूशन आया है जेड बराबर, बट ये जरूर अच्छा जेड बराबर ये हमारे पास लॉग एक्स, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया
हाँ फिर ये हमारे पास वाई बराबर आया, सॉरी वाई बराबर क्योंकि वाई यहाँ पर है, तो वाई बराबर ये आया हमारे पास सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स इनवर्स। बट अगर ये तो हमारे पास वाई बराबर है, सपोज कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन में जो ऑप्शन है उसमें जेड बराबर दिए होगा, जेड बराबर क्या होगा, तो जेड बराबर क्या होगा ये देखने के लिए अगर इसको सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सी वन प्लस सी टू एक्स इनवर्स का क्या होगा, एक्स टू पावर माइनस टू और माइनस साइन आगे, ये हमारे पास सी वन माइनस सी टू एक्स इनवर्स। अब ये वैल्यू अगर इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स तो ये हो जाएगा सी वन एक्स माइनस सी टू एक्स इनवर्स, फिर से इसी फॉर्म में आ गया, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें हमें जेड बराबर निकालना, तो जेड बराबर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी अगर जेड बराबर हम वैल्यू निकालना चाहें तो यहां से जेड बराबर ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू ये रही, तो यहां से अगर पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास सी टू एक्स इनवर्स माइनस सी वन एक्स, यानी जेड बराबर ये सॉल्यूशन आ जाएगा, जेड बराबर अगर सॉल्यूशन दिया हुआ तो सी टू एक्स इनवर्स माइनस सी वन एक्स, और वाई बराबर ये हमारे पास सॉल्यूशन ही है। इस तरह से वाई और जेड दोनों के सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।